लेकिन कांग्रेस भी इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, एंटी इनकमेंसी भी है इस बार कांग्रेस को लेके, तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता बीजेपी प्रचार पे ज्यादा फोकस करती है, ठीक है, तो प्रचार के माध्यम से वो लोगों को ऑब्जर्व कर लेती है, है ना, वो मन मोह लेती है लोगों तक। कहने का अवसर आप दे रहे हैं तो मैं जनता के लिए भी और पार्टियों के लिए भी स्पष्ट कर देता हूँ, दोनों ही पार्टियों की हालत बड़ी गंभीर है और सरकार बहुमत से ना कांग्रेस बना पा रही है ना भाजपा बना पा रही है। सरकार बन किसी की भी जाए लेकिन बनेगी वो गठबंधन से ही, पूर्ण बहुमत के साथ ना भाजपा बना पा रही है ना कांग्रेस बना पा रही है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी क्योंकि चेहरा जो है वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नेतृत्व है। बार लग रहा है शिवराज बदलेंगे और बिल्कुल, अगर नहीं बदलेंगे तो सरकार भी चाहिए, सरकार बदल जाएगी, सरकार बिगड़ जाएगी, होना चाहिए। अब जैसे इन्हें क्या किया है शिवराज ने, गुना शिवपुरी अपने वही इलाका देखा, ग्वालियर भिंड मुरैना क्षेत्र को तुमने देखा ही नहीं है, इसलिए सिंधिया साहब को आना चाहिए। तो सिंधिया साहब आए, सिंधिया साहब आएंगे तो यहाँ कम से कम अपना इस इलाके की उन्नति हो। भीड़ भाड़ लगी हुई है लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत क्या कहती है, कौन मध्य प्रदेश का सीएम बनेगा, क्योंकि एक तरफ कमलनाथ और एक तरफ शिवराज, बारी अपना अपना अभियान देने की है। नहीं कौन दतिया का भैया, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? भैया इस बार तो कुछ कह नहीं सकते, अभी सीटें क्या होगी, टिकट के हिसाब से फाइनल होता है मेरे हिसाब से। वैसे क्या है, बीजेपी माहौल बना लेती है हर बार, है ना, लेकिन कांग्रेस भी इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, एंटी इनकमेंसी भी है इस बार कांग्रेस को लेके, तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता बीजेपी प्रचार पे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है, तो प्रचार के माध्यम से वो लोगों को ऑब्जर्व कर लेती है, है ना, वो मन मोह लेती है लोगों का, इस कारण से अब देखते हैं क्या होता है आगे चल। मन मोह विकास नहीं है, विकास किया है देखो, तो हर पार्टी विकास करती है भैया, ठीक है, विकास के साथ साथ क्या होता है, कई चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है सबसे बड़ी समस्या है, इसका थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए सरकार को, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखना चाहिए, क्या है क्या नहीं है ना सर, इस तरीके से। अलावा और कोई सरकार ने काम किया पिछले 18 साल? सरकार क्या है, अभी देखो लाडली लक्ष्मी योजना लेके आई है सरकार, धीरे धीरे योजना लेके आई, मैं ये मानता हूँ कि सरकार की योजना कहीं बेहतर है, जैसे अपना ये अपना लाडली बहना योजना है, ये भी ठीक है अच्छी तरीके से, लेकिन ये लॉलीपॉप कह रहे हैं लोग बात, क्या है कि दूसरी पार्टियाँ अगर ये करती हैं तो उनको अच्छा माना जाता है, रेवड़ी माना जाता है, लेकिन अगर बीजेपी करती है तो उसको ये नहीं मानती है। कंपैरिजन में कौन बेहतर रहेगा, शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ? देखो सर मैं तो यही कहता हूँ जो बेरोजगारी को दूर करे वही अच्छा काम करेगा, है ना, वैसे देखते हैं, शिवराज सिंह ने भी काम किया है अच्छे तरीके से काम किया है, देखते हैं और आगे क्या होता है। क्या नाम भैया आपका? भैया मेरा नाम हरि बहादुर सिंह मीणा है। जी क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश की जनता क्या कर रही है, किसकी सरकार बना रही है? सरकार के मामले में यदि अगर मैं कहता हूँ तो मीडिया के माध्यम से आज मुझे आपके माध्यम से ये संदेश जन जन तक कहने का अवसर आप दे रहे हैं तो मैं जनता के लिए भी और पार्टियों के लिए भी स्पष्ट कर देता हूँ, दोनों ही पार्टियों की हालत बड़ी गंभीर है और सरकार बहुमत से ना कांग्रेस बना पा रही है ना भाजपा बना पा रही है। सरकार बन किसी की भी जाए लेकिन बनेगी वो गठबंधन से ही, पूर्ण बहुमत के साथ ना भाजपा बना पा रही है ना कांग्रेस बना पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों में क्या कमजोरी है? देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाजपा के व्यक्ति निकल के कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के व्यक्ति निकल के भाजपा में चले गए, चेहरे तो वही हैं भाई, जनता दोनों पार्टियों से दुखी है। क्या बात है, विकास नहीं किया भाजपा ने 18 साल? देखिए विकास किया है, विकास हुआ है नेताओं के व्यक्तिगत चेहरों का, जो उनके साथ 24 घंटा उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो विकास की बात करते हैं विकास के नाम पे, तो विकास हमारी नज़र में दोनों पार्टियों का शून्य ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लेकर देखा जाए तो, आप शहर में विकास कर रहे हैं क्या, शहर में जनता रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता नहीं रहती है। वास्तविक में अगर देखा जाए जिस चीज़ के जो हकदार है वो अभी भी उस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, अगर आप चाहो तो उसके एक नहीं प्रत्येक प्रमाण एक नहीं हम हजारों दे सकते, क्यों कि मैं बजरंग दल का भी कार्यकर्ता हूँ, RSS का भी हूँ और कट्टर हिंदूवादी हूँ, पर सत्य को सत्य कहना इंकार थोड़ी ना है। यानी सत्य कहोगे? अरे हजार बार कहेंगे जो है उसको कहेंगे भाई। ग्रामीण अंचल मेरे परिवार से यदि कोई बड़ा नेता है और यदि वो गलत बोलेगा तो मुझे उसके खिलाफ भी बोलने में एक संकोच नहीं होगा। तो ग्रामीण अंचल में विकास नहीं करा इस 1% भी भैया? हमें तो विकास नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है कि कई ऐसी परिस्थितियाँ, उदाहरण के तौर पर हम मानेंगे कि जैसे कानून ऐसे बनाकर आपने पेश कर दिए डराने धमकाने के लिए, आज बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश 28 राज्यों में सबसे प्रथम है। सरकार आपकी डबल इंजन की है, इंजन कहाँ टूट के चले गए, आज हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित कहाँ हैं मुझे बताएं, कोई आकर जवाब दें भाई। भाई कोई कहे कि सुरक्षित है, आज बलात्कारियों पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या? उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपको दिलवा सकते हैं, हमने एक एक नहीं
3-3 एसपीओं का 3-3 दिन में ट्रांसफर कराया, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। कहते तो है शिवराज जी कह रहे बुलडोजर चला बलात्कार। या बुलडोजर तो चलाओगे, गरीब पे तो बुलडोजर कोई प्रशासन क्या चलाएगा, जो ग्रामीण का कोई दबंग आदमी है वो बुलडोजर चला देगा। बुलडोजर चलाना कोई बड़ी बात है क्या भाई? जिसका शासन है वो चाहे जो कर ली, जिसका शासन है आप बुलडोजर चलाओ, जो चलाना चलाइए। पर जनता इस बार समझ चुकी है नोटा में वोट देना पसंद करेगी, पर अब तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। दादा क्या नाम? मन्ना लाल। कहाँ के निवासी हो? ठीक हूँ। इस बार क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है, शिवराज सिंह या कमलनाथ? कमलनाथ। कमलनाथ क्यों? हाँ, क्योंकि जनता परेशान हो गई, उनके इसे में जनता परेशान हो गई। नहीं नहीं बोल के जो बोला वो ही हम बोले। तमाम सारे लोग खड़े हुए, क्या नाम? दीपक वर्मा। अच्छा वर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? इस बार सरकार तो बीजेपी की बनेगी, क्योंकि चेहरा जो है ऐसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नेतृत्व है। की बार लग रहा है शिवराज बदलेंगे और बिल्कुल, अगर नहीं बदलेंगे तो सरकार भी चाहिए, सरकार बदल जाएगी, सरकार बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। क्यों लग रहा है आपको शिवराज में क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है, क्या होता है कि कोई भी चीज़ देख देख के इंसान बोर हो जाता है। आपको कोई एक फिल्म बार बार दिखाई जाए तो क्या उसको बार बार देखते रहेंगे? यानी फिल्म से बोर हो गए? हाँ समझ जाए, इसी बात ये बदलाव चाह रहे। बिल्कुल, चेहरा बदलाव नहीं, बदलाव नहीं चाह रहे, चेहरा बीजेपी में बदलाव चाह रहे हो? जी चेहरा बदलाव चाह रहे हैं बीजेपी। यस, चेहरा बदलाव चाह रहे हो या चेहरा यही चाह रहे हो? नहीं, ऐसा है कि देखो लीडर कोई भी जिसको ज़्यादा हो जाता है ना उतना काम फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेता, इसलिए लीडर बदले होना चाहिए, भाजपा के लीडर होने चाहिए। भाजपा के क्यों होना चाहिए? भाजपा में क्या है, कमलनाथ भी तो सरकार है, कांग्रेस भी तो सरकार है। ऐसा कुछ वो तो अपनी मर्जी, इच्छा। 70 साल कांग्रेस ने पहले भी अच्छा किया, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है इनको आना चाहिए। अब जैसे इनने क्या किया है शिवराज ने, गुना शिवपुरी अपने वही इलाका देखा, ग्वालियर भिंड मुरैना क्षेत्र को तुमने देखा ही नहीं है, इसलिए सिंधिया साहब को आना चाहिए। तो सिंधिया साहब आए, सिंधिया साहब आएंगे तो यहाँ कम से कम अपना इस इलाके की उन्नति हो। मैंने सरकार आया ही नहीं है कमलनाथ, सब दुआ किसानों का कर्ज माफ का कुछ ना करा, कुछ नहीं करा, जो बातें करे 2,04,000 रुपए युवा यार को देने के बाद वो कोई बातें ना करे, कोई बातें ना करे। और जब भी तो जी क्या बोलते, ज्योतिराय सिंधिया उस पार्टी में मिला आपने बात, उससे भी कह दी कि रोड पे आ जाओ, यानी उसे भी रोड बना दिया। तो रोड उसने वो थोड़ी आया रोड पे, तो ये आ गए, वो नहीं आया रोड पे। कुछ कहना चाह रहे थे कांग्रेस ने विकास नहीं किया या फिर शिवराज सिंह चौहान ने? कोई विकास नहीं किया है, बीजेपी सरकार आएगी, अभी भी आएगी, फिर आएगी। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं चेहरा, हाँ चेहरा बदलने से शिवराज का अच्छा चेहरा नहीं है, हाँ दूसरा चेहरा चाहिए। तो लोग हैं अपनी अपनी राय है, वैसे लग क्या रहा है किसानों के लिए शिवराज सही काम? बिल्कुल सही काम, सही काम तो कर रहा है, लेकिन चेहरा थोड़ा बदलना चाहिए इस बार। क्या लग रहा है चेहरा बदलना चाहिए क्या? मैं तो अगर स्टेट गाँव में नहीं हूँ, कहाँ के हो? उत्तर प्रदेश का हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के हो? हाँ। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कैसा शासन चल रहा है? उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार, योगी सरकार सही चल रही है, सही चल रही है बिल्कुल। तो ये तमाम सारी भीड़ आप रेलवे स्टेशन पर देख सकते हो।